आप लोग कई बार ऐसे कोकोड़ा या कंटोला का सब्जी बनाकर खा चुके होंगे, और मैंने जो रेसिपी आज लेकर आई हूँ, आज हम तैयार करेंगे कोकोड़ा का एक करी रेसिपी, बहुत स्वादिष्ट रेसिपी। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें। आई होप आप लोगों को रेसिपी बहुत पसंद आने वाला। हाय गाइस, जय जगन्नाथ। मामीज किचन में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत। चलिए आज का रेसिपी शुरू करते। एक बार मेरे रेसिपी आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए आज का रेसिपी शुरू करते। सबसे पहले स्वादिष्ट कंटोला करी बनाने के लिए यहाँ पर हमें 500 ग्राम कंटोला ली, जिसे हम अच्छा से धो ली। साथ साथ हमें दो आलू और आधा इंच अदरक, एक लहसुन और एक प्याज, साथ में हम चार टमाटर, दो ग्रीन चिल्ली और दो सूखी लाल मिर्च लेंगे। यहाँ पर देखिए, हम कढ़ाई में थोड़ी सी पानी लेकर हम गैस पर रख ली, और यहाँ पर हमें सारे इंग्रेडिएंट और एक बार अच्छा से धो लेंगे। फिर हमें सारे एक एक करते हुए सारे यहाँ पर हमें पानी में डाल लेंगे। आप देखिए, इसे हम कवर कर लेंगे, और जब तक ये उबाल आए 5 मिनट, इसे हमें उबाला पानी में हाई फ्लेम पे पकाएंगे। सारे हमारा इंग्रेडिएंट थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, फिर इसे हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए, इसे हम 5 मिनट करीबी उबाले, फिर यहाँ पर हमारा जो कंटोला देखिए थोड़े सॉफ्ट हो चुकी, और आलू इसे हमें रहने देंगे। आलू पानी में अच्छा से उबल जाए, फिर इसे हम निकालेंगे। यहाँ पर देखिए, सारा चीज़ हमें ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाए, फिर इसे हमें पीसेस में काट कर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर 5 से 7 मिनट हो चुकी और सारी चीज़ ठंडा हो चुकी। यहाँ पर अभी हमारा जो आलू भी अच्छा से बॉईल हो चुकी, और देखिए सबसे पहले हम प्याज को काट लेंगे। प्याज थोड़ी सॉफ्ट है, इसलिए थोड़ी सी टेढ़ा मेढ़ा हो गई। आप देखिए, यहाँ पर हमें जो लहसुन डाले थे ना, वो ये भी थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी, और ये आसान से भी इसे हमें खोल लेंगे। आप देखिए, सारे चीज़ यहाँ पर हमें ऐसे काट कर तैयार करेंगे, और टोमेटो स्किन हमें हटा लेंगे, उसे भी हमें पीसेस में काट कर तैयार कर लेंगे। सारे चीज़ हमारा जो मसाला इंग्रेडिएंट सारे इकट्ठे हो चुके, इसे हमें बाद में पेस्ट लेंगे। यहाँ पर हमें जो कंटोला को, इसे हमें जो उसका जो डंठल आगे पीछे, इसे हम थोड़ी थोड़ी काट लगाएंगे, और फिर इसे हमें बड़े बड़े पीसेस में काट कर तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो छोटे कंटोले से भी इसे तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, इसका जो ऊपर काटा जैसे ना, इसे हम पहले आप चाहे तो हटा सकते हैं, नहीं तो इसे रहने दे। हमें इसे इसलिए उबाले कि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए, और हमारा जो आलू भी थोड़ी सी गर्म है, इसे हमें गरम गरम इसे काट कर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, सारे हमारे एक ही पीसेस होना चाहिए, आलू जैसे पीसेस, और हमारा जो कटहला भी वही पीसेस से हम काट कर सारे तैयार कर ली, और इसे भी हम पीस कर तैयार कर ली। अब सारे चीज़ हमें इसे साइड में रख लेंगे। यहाँ पर हमें वही कढ़ाई लेंगे, जिसे हमें अच्छा से सबसे पहले गर्म कर लेंगे। कोई भी चीज़ आप तैयार करते ना, सबसे पहले कढ़ाई को अच्छा से गर्म कर ले, फिर हमें इसमें ऑयल डालेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डाल ली, और ऑयल अच्छा से गर्म हो जाए, फिर हमें जो कंटोला या ककोड़ा, जिसे क्या बोलते मेरे को भी ठीक से पता नहीं, सॉरी गाइस, मेरे बोलने का तरीका गलत है तो मेरे को माफ़ करिए, और इसे हमें सारे पीसेस यहाँ पर डाल लेंगे। और यहाँ पर हमें 2 चुटकी नमक डालते हुए इसे हम फ्राई कर लेंगे। अभी हमारा जो गैस का फ्लेम हमें मीडियम पर रख कर इसे हम फ्राई करेंगे। आप देखिए, यहाँ पर हमारा जो कंटोला गोल्डन फ्राई हो चुकी, और इसे हम बाहर निकाल लेंगे। आप चाहे आलू भी
एक ही साथ में डालकर फ्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आलू बाद में फ्राई करूँगी, क्योंकि ना हम पहले बॉईल कर ली ना, हमें इसे साथ में फ्राई करेंगे ना आलू सारे खुल जाएगी। यहाँ पर इसे हमें अलग फ्राई कर लेंगे, आप चाहे तो एक ही साथ में भी फ्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी बाद में फ्राई कर लूँगी और इसे भी हम गोल्डन फ्राई करते हुए निकाल लेंगे। अब कढ़ाई को अच्छा से क्लीन कर लेंगे। अब इसे हमें साइड में रख लेंगे। यहाँ पर देखिए वापस हमें 3 से 5 टेबल स्पून ऑयल डाल लेंगे और ऑयल भी अच्छा से गर्म हो जाए। सबसे पहले हम 2 ग्रीन इलायच डाल लेंगे, देखिए इसमें फ्लेवर अच्छा आता है। और थोड़ी सी दालचीनी यहाँ पर मैंने डाल ली और साथ साथ हमें थोड़ी सी जीरा डालकर भून ले। फिर हमें 2 तेज़पत्ता डाल लेंगे। सारे चीज़ हम 2 सेकंड के लिए इसे हम भून लेंगे। अब यहाँ पर अच्छा से सारे मसाला भून जाए, फिर हमें 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर लेंगे। जब लाल मिर्च पाउडर ऐड करें, फिर हमें तुरंत जो मिक्सचर तैयार की थी ना, टमाटर लहसुन प्याज हरी मिर्च लाल मिर्च, यहाँ पर मिक्सचर डाल लेंगे और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। अब हमें जार धोकर थोड़ी सी पानी यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अभी आप ध्यान दीजिए, हमारा जो गैस का फ्लेम मीडियम पे रखकर इसे हमें अच्छा से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें 1/4 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालकर इसे हमें कवर कर लेंगे और 2 सेकंड के बाद इसे हमें अच्छा से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा गैस का फ्लेम मीडियम पे रखकर इसे हमें यहाँ पर 1/4 टेबल स्पून हमें हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे और सारे चीज़ हमें मिक्स कर लेंगे। इसे हम कवर करते हुए करीब 5 मिनट इसे हमें, जब तक मसाला ड्राई हो जाए तब तक के लिए इसे हम पकाएंगे। और मैंने 5 मिनट करीब इसे पकाया और इसे हमें लो फ्लेम पे पकाया ताकि ये थोड़ी सी ड्राई हो जाए। 5 मिनट जब हो जाए फिर हमें यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून गर्म मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे और गैस का फ्लेम हमें लो पे रख कर इसे हम मिक्स कर लेंगे और 2 सेकंड के लिए इसे हम कवर कर लेंगे। जब 2 सेकंड हो जाए फिर इसे हम कवर हटा लेंगे। यहाँ पर ज़्यादा इसे ड्राई नहीं करेंगे। फिर हमें यहाँ पर 1 ग्लास करीब पानी डाल लेंगे और इसे हम अच्छा से मिक्स कर लेंगे। एक बात, आप लोगों को ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो यहाँ पर आप और पानी यूज कर सकते हैं। और मैंने ये थोड़े ग्रेवी टाइप में बनाऊंगी इसलिए मैंने इतना थिक पानी डाली। आप लोगों को ज़्यादा पतला चाहिए तो वही हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। और यहाँ पर इसे हम कवर कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। 2 सेकंड पकाने के बाद जब भी ग्रेवी में उबाल आए फिर हमें यहाँ पर फ्राई किया हुआ कटहल और आलू यहाँ पर हमें डाल लेंगे। अभी इसे हमें मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट इसे हम पकाएंगे। यहाँ पर देखिए हमें नमक अभी तक यूज नहीं की थी, अब यहाँ पर हमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे। पहले भी ध्यान दीजिए, हम जब फ्राई की थी ना हमें 2 चुटकी नमक डाले थे। अभी स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद हमें 2 मिनट इसे हमें नमक का साथ पकाएंगे। जब अच्छा से एक कुक हो जाए फिर हमें बारीक कटा हुआ लास्ट में धनिया पत्ता ऐड कर लेंगे। अभी इसे हमें अच्छा से मिक्स कर लेंगे। अभी लो फ्लेम पे 2 मिनट इसे हमें कवर कर लेंगे। जब ये 2 मिनट हो जाए फिर इसे हमें गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। आप लोग पहले ये रेसिपी बनाकर खाए चुके होंगे और आज का रेसिपी देखने के बाद आप लोग एक बार ज़रूर बनाएं। बोलने का मतलब है कटेला या जो
कंट्रोलर थोड़ी सी कड़वा रहता है। मैंने जो प्रोसेस से आप लोगों को सिखाया और बताया, आप लोग वही हिसाब से तैयार करेंगे ना, आप लोगों का जो कंटाला करी बिल्कुल कड़वा नहीं लगता है, बहुत स्वादिष्ट तैयार होता है। और हमें हफ्ता में एक दो बार ये रेसिपी खाना जरूरी होता है, ताकि इसमें जो औषधि गुण रहता है ना, हमारा सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। आप लोग जरूर एक बार इसे तैयार करें, और इतना अच्छा लगता है, इतना स्वादिष्ट लगता है। आप लोग ऐसे तैयार करते हुए रोटी राइस पराठा का साथ एंजॉय कर सकते। देख पा रहे इनका जो स्ट्रक्चर, आप लोग देख कर पता चल गए होंगे कि ये कितना स्वादिष्ट। आप लोग जरूर एक बार इसे ट्राई करें। आई होप आप लोगों को रेसिपी अच्छा लगे होंगे। अच्छा लगे तो मुझे भी कमेंट में जरूर लिखे, ताकि मेरे को भी अच्छा लगे। और बहुत अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे और एक इंटरेस्टिंग मैरिज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।